जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 12 जवान घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले की जानकारी मांगी। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर अंधाधुंध फायरिंग की, घात लगाकर हमला बोला। श्रीनगर के जेवन इलाके में आतंकी हमला हुआ, हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ होने का शक। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भरोसा दिया, जल्द ही आतंकियों को पकड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ मांगी। प्रियंका गांधी ने आतंकी हमले की निंदा की, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। श्रीनगर के रंगरेट में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई, 2 आतंकियों को ढेर किया। काशी को शिवभक्त मोदी की सौगात, देश को समर्पित किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। प्रधानमंत्री मोदी ने की बाबा विश्वनाथ की पूजा, गंगा जल से अभिषेक किया, आरती भी उतारी। उद्घाटन के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, काशी तो अविनाशी है, जिनके हाथों में डमरू उनकी है यहां सरकार। प्रधानमंत्री ने लोगों से 3 संकल्प लेने को कहा, स्वच्छता, सृजन, आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास करें। प्रधानमंत्री मोदी ने ललिता घाट से रविदास घाट तक क्रूज से सैर की, संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रूज से दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया, सीएम योगी भी रहे मौजूद। काशी में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, गांधी जी के नाम पर बहुत लोगों ने सत्ता हासिल की। प्रधानमंत्री की कोशिश से काशी विश्वनाथ का भव्य रूप दिखा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा। मोदी के काशी दौरे पर अखिलेश यादव का विवादित बयान, कहा अंतिम समय में लोग बनारस में ही रहना पसंद करते हैं। यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह का हमला, काशी की भव्यता देख बौखलाए अखिलेश यादव, जिन्ना की मूर्ति का लोकार्पण होता तो खुशी से झूमते। अखिलेश के बयान को सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा वो भारतीय नहीं जिन्ना सभ्यता से प्रभावित है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, अखिलेश सच्चे हिंदू तो स्वागत करें, स्वागत नहीं कर सकते तो चुप बैठे। अखिलेश के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूछा काशी की तारीफ ना करके क्या वे औरंगजेब के साथ खड़े हैं। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने अखिलेश के बयान को अपमानजनक बताया, कहा चुनाव में यूपी की जनता जवाब देगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भारी सियासत, फारूक अब्दुल्ला ने कहा मोदी सिर्फ एक धर्म के पीएम नहीं, दूसरे धर्मों पर भी ध्यान दे। एनसीपी नेता नवाब मलिक का आरोप, मोदी जी गंगा को स्वच्छ करने में नाकाम रहे, कई मंत्री बदले गए लेकिन सफाई अभियान अधूरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डेप्यूटी सीएम के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई, मंगलवार को गुड गवर्नेंस पर चर्चा करेंगे। संसद हमले की 20वीं बरसी आज, प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, कहा जवानों का सर्वोच्च बलिदान हर नागरिक को करता है प्रेरित। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद हमले में शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी, कहा देश आपका कृतज्ञ। सीबीएसई 10वीं अंग्रेजी की परीक्षा से हटाया गया विवादित सवाल, छात्रों को फुल मार्क्स मिलेंगे। सोनिया गांधी ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में महिला विरोधी पैसेज पूछे जाने पर सवाल उठाए थे, शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई से माफीनामे की मांग की। राहुल गांधी ने भी एग्जाम में पूछे सवाल को बताया घिनौना, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का बीजेपी संघ का हथकंडा बताया। लोकसभा के शून्यकाल में अधीर रंजन चौधरी ने उठाया प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल के हैक होने का मामला, सुरक्षा पर सवाल उठाए। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने लोकसभा में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, कहा आरक्षण को सही तरीके से लागू करने में लाभ मिलेगा। 12 सांसदों के निलंबन की वापसी की मांग पर चेयरमैन वेंकैया नायडू का बयान, मामले को और मत उलझाइए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, सांसदों का निलंबन वापस हो, संसद में हमें अपनी बात रखने दी जाए। 18 दिसंबर को अमेठी में राहुल और प्रियंका करेंगे पदयात्रा, अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर सरकार को घेरेंगे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा, बोले इटावा के साथ भेदभाव किया गया। एसपी नेता जया बच्चन ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले लाल टोपी से इतने घबरा गए हैं कि फीते पर फीते काट रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का राहुल और अखिलेश पर वार, बोले सनातन परंपराओं पर हमला कर अग्रांताओं की श्रेणी में आ जाते हैं ऐसे लोग। पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा शिरोमणि अकाली दल के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस ने पंजाब के लिए प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया, नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष होंगे। पंजाब के जालंधर और लंबी में 15 और 16 दिसंबर को सीएम केजरीवाल का दौरा, तिरंगा यात्रा और जनसभाओं में लेंगे हिस्सा। गोवा में सीएम ममता बनर्जी ने खेल जटलों का नारा दिया, कहा विधानसभा चुनाव में टीएमसी बाजी मारेगी। गोवा में बोली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, टीएमसी का मतलब मंदिर मस्जिद चर्च, टीएमसी की लड़ाई बीजेपी से। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान, देश में टीएमसी ही अकेली ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। गोवा में एनसीपी के इकलौते विधायक चर्चिल अलमाओ ने इस्तीफा दिया, टीएमसी के साथ विलय का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को झटका, बंगाल निकाय चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार, हाईकोर्ट जाने को कहा। अमृतसर में बोले किसान नेता राकेश टिकैत का, हर मौसम में आंदोलन करने की किसानों की ट्रेनिंग पूरी, अगले 30 से 40 साल काम कर सकते हैं किसान। किसानों के समर्थन में बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन, किसानों ने पीएम को झुकने पर मजबूर किया, एमएसपी भी लेकर रहेंगे, एमएसपी पर बहुत जल्द बनेगी कमेटी, कृषि सचिव संजय अग्रवाल का बयान। गुजरात के किसानों से पीएम मोदी की अपील, कहा धरती मां की सेवा के लिए प्राकृतिक खेती पर जोर दें। भारत की हरनाज संधू बनी मिस यूनिवर्स 2021, 21 साल बाद भारत ने खिताब जीता, पीएम मोदी ने भी बधाई दी।
आर्मी चीफ नरवणे ने ओमान की शाही सेना के कमांडर से फोन पर बात की। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दे पर चर्चा। समंदर में दुश्मन का काम तमाम करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। युद्ध क्षमताओं में इजाफा होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार की मांग, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिहार के पिछड़ेपन को लेकर बोले नीतीश कुमार, बिहार का क्षेत्रफल कम और आबादी ज्यादा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर समीक्षा बैठक की। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी। दिल्ली में 16 दिसंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक जारी रहेगी, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। दिल्ली विधानसभा परिसर में मिला फांसी घर, विधानसभा अध्यक्ष बोले, एएसआई की मदद से परिसर को बनाएंगे पर्यटन का हिस्सा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बयान, पत्नी की फोन पर बातचीत और उसकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन। राजस्थान के नागौर में नाबालिग ने चचेरे भाई की हत्या की। ऑनलाइन खेल में पैसा लगाने के लिए चाचा से 5 लाख की फिरौती मांगी थी। राजस्थान के अजमेर में ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, सीआरपीएफ जवान समेत 3 की मौत हुई। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक यात्री से मिले 9,86,000 की कीमत के सोने के बिस्किट, आरोपी से पूछताछ जारी। सीपीएम नेता एमवाई अतारिगामी की मांग, पाकिस्तान से हो संवाद, जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द कम होगा। नागालैंड फायरिंग पर बोली रोम शर्मिला, कहा पूर्वोत्तर से अफवाह खत्म करने का समय आ गया। ईडी का बाहुबली अतीक अहमद पर शिकंजा, 8 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। यूपी के महोबा में ड्रग्स कारोबार पर नकेल, 600 ग्राम गांजे के साथ एक शख्स की गिरफ्तारी। सहारनपुर में इंटरस्टेट गाड़ी चोर गैंग का पर्दाफाश, 3 चोर समेत 11 बाइक भी जब्त की गई। यूपी के बाराबंकी में साइबर फ्रॉड का इनामी बदमाश सहित 2 लोगों की गिरफ्तारी, 20,000 कैश समेत सिम और एटीएम कार्ड भी बरामद हुए। यूपी के शाहजहांपुर में 4 लुटेरों की गिरफ्तारी, चोरी के गहने और ऑल्टो कार भी बरामद। शाहजहांपुर में करंट लगने से मां और बेटे की मौत हुई, परिवार के 2 लोग घायल भी हुए। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में मां बेटे की मौत हुई, टक्कर मारने के बाद कार का ड्राइवर फरार। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र में जलवायु परिवर्तन की स्थिति पर चर्चा होगी, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे का बयान। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा, समय की मांग है कि राजनीतिक दल जलवायु परिवर्तन को अपना चुनावी एजेंडा भी बनाए। बॉम्बे हाईकोर्ट से कंगना रनौत को झटका, 22 दिसंबर को पेश होने को कहा, सिख समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया था। मुंबई के अंधेरी कोर्ट में जावेद अख्तर ने याचिका दायर की, कंगना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग। थाने में वोटर पहचान पत्र बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज देने का मामला, 28 लोगों पर केस दर्ज। पुणे और लातूर में ओमिक्रॉन के 2 नए केसेस मिले, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 20 हुई। पाकिस्तान के ओमिक्रॉन का मिला पहला केस, कराची की एक महिला संक्रमित। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहले शख्स एक मौत हुई, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जानकारी दी। ब्रिटेन में अगले साल अप्रैल तक ओमिक्रॉन से 75,000 लोगों की मौत हो सकती है अगर संक्रमण रोकने के लिए नहीं उठाए गए अतिरिक्त कदम। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो हटाने की मांग पर केरल हाईकोर्ट का सवाल, आप पीएम की फोटो से क्यों शर्मिंदा हैं। देश में कोरोना के 7,350 नए केसेस, 24 घंटे में 202 लोगों की जान गई। केरल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2,434 नए केसेस, 203 लोगों की संक्रमण से जान गई। ओडिशा में कोरोना के 178 नए मामले, 24 घंटे में 2 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 569 नए केसेस मिले, 5 संक्रमितों की जान भी गई। तमिलनाडु में कोरोना के 657 नए केसेस, 24 घंटे में 702 मरीज रिकवर हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर में भारी गिरावट, देश में 31वें नंबर पर पहुंचा आंध्र प्रदेश, कभी 5वें नंबर पर आंध्र था। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 236 नए मामले आए, 24 घंटे में 7 की जान गई, 321 रिकवर भी हुए। दिल्ली सरकार ने कोरोना से मारे गए 21,235 लोगों के परिवारों को एकमुश्त 50,000 रुपए की सहायता राशि दी। ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए तैयार है दिल्ली, सीएम केजरीवाल बोले, पाबंदियों की जरूरत नहीं, जरूरत पड़ने पर फैसला होगा। दारुल उलूम देवबंद की सऊदी अरब से मांग, तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करें। बैंकों को 13 कंपनीज के बैड लोन की वजह से 2.85 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। यूएफबीयू का 16 और 17 दिसंबर को बैंकों की हड़ताल का आह्वान। आम आदमी को जोरदार झटका लगा, नवंबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.91% हुई। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 503 और निफ्टी 143 अंक टूटा। टीम इंडिया को बड़ा झटका, रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से बाहर, प्रियांक पांचाल जगह लेंगे। मुंबई में रविवार को प्रैक्टिस सेशन के दौरान रोहित के बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई। टॉप्स बैठक के बाद बोले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, आगामी प्रतियोगिताओं के लिए रोड मैप तैयार किया गया। अनुराग ठाकुर ने कहा, एथलीट्स का चयन होगा, सभी जरूरी मदद की जाएगी। एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव, बीएमसी ने संपर्क में आए लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के निर्देश दिए। बीएमसी ने करीना कपूर के घर को भी सील किया, कहा करीना के संपर्क में आए लोगों की पूरी जानकारी नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।